your group? My name is Muskan. क्या आपने बनवाया? आज मैंने ये टैटू बनवाया एंड इसका मतलब है समटाइम्स यू हैव टू फॉल बिफोर यू वॉन्ट टू फ्लाई एंड आई एम रियली हैप्पी विद द एक्सपीरियंस. हाइजीन वाइज इट वॉज वेरी गुड, सर वॉज वेरी गुड एंड मेकिंग मी अंडरस्टैंड वॉट इज़ गुड फॉर मी, वॉट इज़ नॉट, द शेडिंग एंड एवरीथिंग. ही वॉज वेरी प्रिसाइज, वेरी काम, कूल, कंपोज थ्रू आउट द सेशन. आई रियली लाइक इट. थैंक यू सो मच. जो एक्सपेक्ट किया था आपने? जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा, इट्स मोर देन माई एक्सपेक्टेशन. अगर अदर गर्ल्स को आप पेन के बारे में बताना चाहेंगे तो क्या एक्सपेक्ट? पेन नहीं, पेन वॉज नथिंग. मुझे पेन फील ही नहीं हुआ इतना, जस्ट द मिनिमल पेन दैट यू विल फील, दैट्स इट. एक्चुअली हमारे यहाँ पे ना इसे गर्ल्स पर माइंड में लेके आती है कि इतना पेन होगा, हम वो मतलब वो जवाब दे नहीं पाते कि क्या जवाब दे. तो आप क्या कहना चाहोगे? नहीं नहीं, पेन कुछ भी नहीं था, नॉट एट ऑल, इट वॉज जस्ट अ माइनर पेन, दैट्स इट. और हाइजीन का बहुत बड़ा इशू है? हाँ, हाइजीन का मुझे कोई भी इशू नहीं आया. हाइजीन वॉज वेरी रियली वेरी गुड, एवरीथिंग वॉज रैप्ड अप, एवरीथिंग वॉज वन डे डिस्पोजेबल, वन टाइम डिस्पोजेबल. डॉक्टर, आप एक डॉक्टर हो तो हाइजीन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो. तो आपने खुद देखा, क्या क्या फील किया आपने अबाउट हाइजीन? हाइजीन बहुत अच्छा था. ब्लेड वन टाइम यूज़ वाले हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ही ब्लेड का होता है. द नीडल्स दैट ही यूज़ वो भी वन टाइम वाले थे, बिकॉज नीडल दोबारा एक और किसी की नहीं यूज़ कर सकते सेप्टिक के लिए एंड एवरीथिंग. इट वॉज़ वेरी गुड. हाइजीन तो कोई इशू ही नहीं था. हाइजीन वॉज रियली वेरी गुड, वेरी गुड. क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे आने वाले हमारे अपकमिंग? बस कि बहुत सारे लोग आओ और सर से टैटू करवाओ जल्दी जल्दी. इट वॉज़ वेरी गुड, ट्रस्ट मी, इट वॉज़ वेरी गुड. थैंक यू, थैंक यू. Yeah, sure.